हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ साइंस में। तो मैथ्स की जो सीरीज़ है, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी वो चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी इस टाइम मैं साइंस की आपको क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बताऊंगी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सो, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है 8th के साइंस के सिलेबस का, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज़ रिगार्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओनली। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की डेफिनेशन बतानी है। तो 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ आंसर जो गिवन है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हो एंड अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। सो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो स्पेशली आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिस्क्राइब द क्रॉपिंग पैटर्न्स विद एग्जांपल्स। तो ये किसी भी तरह से आ सकता है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क। एंड इसके स्पेशली आपको इन क्रॉप्स के, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन एंड ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 8th क्लास के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आंसर्स आपको गिवन है सभी के। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग में ही आएगा, 3 मार्क्स में। तो क्वेश्चन है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड, विच टाइप ऑफ टूल्स आर यूज फॉर दिस पर्पज, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टूल्स। तो आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो 5 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं, तो अलग अलग पार्ट्स आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है टूल्स के ऊपर, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनका पर्पस, एंड किस तरह से, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सो द सीड्स, ठीक है, टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम्स में आने के लिए। तो इसका आंसर आपको डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने वर्ड्स में फ्रेम करके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग। तो पूरी आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो ये आप देख सकते हो पूरा आंसर है, ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में ये आ सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक बार तो 8th क्लास में क्वेश्चन आते ही आता है, तो आपको अच्छी तरह ये प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चैप्टर का। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो, बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर का, दैट इज़ रिगार्डिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज वाला टॉपिक भी पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस चैप्टर में। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि व्हाई डज स्टोरेज ऑफ क्रॉप ग्रेन्स इज कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर फार्मर्स। तो पूरे इस टास्क को आपको, इसकी इम्पॉर्टेंस को आपको लिखना है, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। यहाँ पर तो आपको पैराग्राफ्स में है, बट पॉइंट्स में लिखोगे तो दैट विल बी मोर गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर। एंड उसी तरह से मार्किंग भी करना इजी रहता है। तो आप ये पूरा देख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन है, इसके आप पॉइंट्स फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स ले लेना। एंड यस, यही सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मेजरली यही कैटेगरीज हैं इस चैप्टर में। बाकी कई बार होता है कि आंसर्स में से भी क्वेश्चंस 1 मार्क एंड ऑल ये सब निकल सकते हैं। एंड इसमें जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, ये वाला जैसे स्टेटमेंट है, तो इसमें आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसी से कुछ, जैसे ये भी दी हुई है लाइन, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो आपको एक बार थरली रीड करनी है NCERT बुक, एंड जो भी ऐसी लाइन्स हैं उनके बारे में पॉइंट्स आप फ्रेम करते रहा करो कि अगर ये क्वेश्चन ये लाइन को उठाकर इसको जस्टिफाई या एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो आप क्या आंसर लिखोगे। तो वो पॉइंट्स, आप कीवर्ड्स जो है उसमें, वो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड इसी तरह से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है टूल्स का, टूल्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, तो वो सब आपको ध्यान में रखनी है। सो यार, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।